नेपाल की राजधानी काठमांडू से यात्रियों को ले जा रहा एक विमान क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। सूर्य एयरलाइंस का एक विमान बुधवार को काठमांडू से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी TI पर उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। TI के प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुर ने बताया कि पोखरा जा रहे विमान में विमान चालक दल समेत 19 लोग मौजूद थे, जो सुबह करीब 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मी दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान चला रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दुर्घटना स्थल में 500 बरामद किए गए हैं। प्लेन के कैप्टन MR शाकी को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया। मरने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ने की आशंका है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सौर्य एयरलाइंस के विमान में आग लगने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हवाई अड्डे के सूत्रों के मुताबिक उड़ान भरने के दौरान विमान रनवे से फिसल गया, जिसके नतीजे में यह दुर्घटना हुई है। यह विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था। इनमें कुल 19 लोग सवार थे। स्थानीय सूत्रों के बताया कि दुर्घटना के बाद विमान में आग लग गई। आग की लपटें कैसे धुआं धुआं कर जल रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। धुआं का एक भारी गुब्बारा आसमान में छा गया। दुर्घटना के कारण विमान में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड कर्मियों और सुरक्षा कर्मी एक टीम तैनात भी की गई है। दमकल कर्मी और सुरक्षा कर्मी को एक टीम स्थित काबू पाने के लिए वह लगातार काम कर रही है। फिलहाल राहत बचाव के कार्य के लिए टीम घटना स्थल पर मौजूद है। इस प्लेन क्रैश में कई के मारे जाने की आशंका भी है। यह प्लेन काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था, तभी विमान क्रैश हो गया। क्रैश होने के बाद विमान में भयानक आग लग गई। इसकी लपटें देखकर लोग दौड़ पड़े। सूत्रों के माने तो राहत बचाव कार्य के लिए नेपाल सरकार ने सेना के जवानों को भी मौके पर भेज दिया। मेडिकल से लेकर सेना जवानों की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। जिस तरह की आग लगी वह बुरी खबर की तरफ इशारा कर रही है। ऐसे में जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे ही डेली न्यूज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।